KSN 24 पल पल की खबर। जांजगीर चांपा जिला के माल खरौदा थाना क्षेत्र में लगातार शराब बिक्री का मामला सामने आ रहा है, जिस पर माल खरौदा पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई किया जा रहा है। थाना प्रभारी माल खरौदा अब्दुल शफीक खान के नेतृत्व और उप निरीक्षक एस सी चौहान, सहायक उप निरीक्षक पी आर पैकरा एवं समस्त स्टाफ के द्वारा लगातार अवैध शराब बिक्री पर कार्यवाही किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज माल खरौदा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत डोमा में अवैध शराब बिक्री की सूचना मिलने पर सहायक उप निरीक्षक पी आर पैकरा और टीम द्वारा रेड कार्रवाई करते हुए डोमा में एक युवक को घर में शराब बिक्री करते हुए गिरफ्तार कर लिया और धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। से बिक्री का मामला है, क्या है पूरा डिटेल बताएंगे। ग्राम डोमा में ग्रामीणों के द्वारा शिकायत, ग्रामीणों के माध्यम से शिकायत मिल रही थी। ग्राम डोमा का अर्जुन चंद्रा, पिता रूप चंद्रा, अवैध शराब का धंधा करता है और लोगों को खिलाने का भी काम करता है। इस सूचना पर आज मुखबिर के जरिए भी आज खबर मिली थी कि अर्जुन चंद्रा अपने घर के घर में अवैध शराब लोगों को बैठा करके पिला रहा है। इस सूचना पर हमारा स्टाफ के मौके पर जाकर रेड कार्रवाई की गई। तो उसके घर से बाड़ी की तरफ जाने वाले रास्ते में घर के अंदर वह लोगों को उठा कर पिला रहा था। रेड कार्रवाई करने पर पीने वाले पुलिस को देख करके भाग गए। अर्जुन चंद्रा वहां पर मौजूद मिला, जिसके कब्जे से 5 लीटर 100 ml मोहा शराब एक पीले रंग की जरीमान में बरामद हुआ, जिसे जब्त कर आरोपी के खिलाफ 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, KSN 24 न्यूज।